गार्लिक अनियन ये सबका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है और पनीर भी डाला है, सो गुड। So, as I told you, कि हम यहाँ पर आज कैंपिंग करने वाले हैं, वी आर इन रिवर फॉरेस्ट कैफे इन सोहेल। तो हम यहीं पर कैंपिंग कर रहे हैं और रात को हमारा डिनर यहीं पर बन रहा है, बाहर बारबेक्यू भी होगा और यहाँ पर डिनर की प्रिपरेशन चल रही है। आई शो यू कि एक हिमाचली सब्जी है जैसे लिंगड़ी बोलते हैं और वो यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे, तो दीदी हमें बताएंगे कैसे बनेगी। सो यहाँ देखते हैं कल ही निकाला आपने। आप लोग का यहाँ पे खेत वो होगा ना, मतलब खेत उसमें उगाते होगे ना सब। अच्छा, राइस भी आपको ग्राउन राइस है, फिर लोकल चावल वो खाऊंगी मैं। है ब्राउन राइस, यस। वैसे वो हेल्थ के लिए भी मतलब अच्छा होता है ना, जैसे हाँ शुगर पेशेंट और ये लोग मतलब वही खाएं तो अच्छा है। हाँ, उससे बहुत अच्छा, बहुत लाइट और बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। अब मैं इसमें लहसुन डाला है, हुई अलग आ रही है ना नॉर्मल मार्केट में जो ऐसे, उसकी तो इतनी कहाँ अच्छी खुशबू आती है, इसकी तो डालते ही खुशबू आ रही है एकदम मस्त। हाँ, मैंने इसलिए पूछा ना, मैंने बोला कुछ लोकल सब्जी खाने का मन हो रहा है। अच्छा वो बोल दिया। दिखने में बीन्स जैसा दिखता है। हाँ, थोड़ा बीन्स जैसा दिखता है, बीन्स की कटिंग भी ऐसी होती है। हाँ, बीन्स की भी ऐसी होती है ना वही। हाँ, एक बार खाने टाइम। अच्छा, ये खाएंगे खाने के टाइम थोड़ा। ये डिनर में आपको मिलेगा चटनी, अचार। चटनी तो इतनी अच्छी थी ना, मैं चटनी के कारण ज्यादा पकौड़े खा लिए। एकदम फ्रेश बनाई ना आप लोगों ने अभी, एकदम बहुत अच्छी लगी चटनी। मिंट घर में ही है हुआ बहुत सारा ना। हाँ, इसी उसकी तो अच्छी लग रही थी इसलिए, सब चटनी की वजह से ज्यादा पकौड़े खा गए सब। अब बस इसको ढक देंगे कि ऐसी नहीं नहीं इसको ढक देंगे ना। हाँ, फ्रेश चीजों की तो बात ही अलग है। धनिया भी आप लोग का यहीं का ही होगा, तो कितना फ्रेश दिख रहा है, इतना ग्रीन तो मतलब देखने को नहीं मिलता। A few moments later. तो फाइनली सब्जी बन गई है लिंगड़ी की और मैं टेस्ट करने वाली हूँ। अच्छा, पनीर भी डाला आपने। अच्छा, ओके। काफी टेस्टी है, इसका एक अलग सा फ्लेवर है, विच इज लाइक जो सब्जी का मतलब थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर है और बहुत अच्छी लग रही है। गार्लिक अनियन ये सबका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है और पनीर भी डाला है, सो गुड। थैंक यू सो मच। मतलब मैंने पूछा दीदी से कि कोई देसी कोई सब्जी है, तो उन्होंने बोला हाँ लिंगड़ी है, तो फिर उन्होंने चलो ये बनाओ। थैंक यू।
हमने सीख भी लिया बनाना। ओके सो हमारा डिनर यहाँ पर एकदम देसी वाला। वी हैव रेड राइस, राजमा कुछ दिख नहीं रहा है, लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वी हैव कड़ी पकौड़ा, भिंगड़ी की सब्जी एंड वॉट चटनी। दैट्स राइस ओनली। या दैट्स राइस ओनली। सो या